बिल्कुल यही वो इलाका है जहां पर कल देर शाम मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर हुआ है और जो अभी भी जारी है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये एरिया आपको दिखाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को एक मोसदी का इतला मिली थी कि सोपोर के चकमोहला, ये जो इलाका है नौपोरा का चकमोहला इलाका है, मिलिटेंट्स की मौजूदगी की। उसी बीच फोर्सेज ने इलाके को कॉर्डन अप किया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। फोर्सेज जब मिलिटेंट्स को ढूंढ रही थी तभी मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई। फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों अतराफ से जो है झड़प शुरू हुई। इस झड़प इब्तदाई फायरिंग में जो है एक सिविलियन इंजर्ड हुआ है जिसकी शिनाख्त फारूक अहमद डार के बतौर हुई है और उसके बाद लगातार वक्फे वक्फे से फायरिंग का जो तबादला है दोनों अतराफ से जारी रहा, जो रात भर जारी रहा है। और सुबह होते ही एक बार फिर मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर एनकाउंटर शुरू हुआ है। कहा जाता है कि इस एनकाउंटर में अब तक दो आर्मी के जवान जख्मी हुए हैं और एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है। फिलहाल किसी भी मिलिटेंट की मारे जाने की इतला अभी मौसूल नहीं हुई है। अलबत्त कहीं ना कहीं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। नज़्म मोहतरम, एक बार फिर मैं आपको बताते चलूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ को कल देर शाम जो है इस इलाके से एक इनपुट मौसूल हुई है। ये जो इलाका है ये नौपुरा चक का इलाका है, यहाँ से इनपुट मौसूल हुई है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की। उसी बीच फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। फोर्सेस जब मिलिटेंट्स को ढूंढ रही थी तभी मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर जो है ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलाई। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और बाज़ाब्ता तौर पर दोनों अतराफ से जो है एक झड़प शुरू हुई। झड़प में अभी तक जो अपडेट है दो आर्मी के जवान जख्मी हुए हैं और एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अभी भी किसी मिलिटेंट की मारे जाने की इतला मौसूल नहीं हुई है। अलबत्त कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है।